क्लास बेटा 3D एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब कि ये हमें गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. बिकॉज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के. ये हमने पहले भी करा है. तो ए डैश मीन इसका कर दो ट्रांसपोज कर दो. ये क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम बना दो 0, 1, 2. सेकेंड रो है -1, 0, 3, उसको कॉलम बना दिए. थर्ड एक्स -3, 0 इज इक्वल टू माइनस ए. ए लिख देते हैं 0, 1, 2 -1, 0, 3 एक्स -3, 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ये साइड तो लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगी 0, 1, 2 -1, 0, 3 एक्स -3, 0 किसके इक्वल है, माइनस अंदर चला गया तो 0, 1 -x -1, 0, 3 -2, -3, 0. अब देखो करो तो यहाँ से फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला सेकेंड के. हाँ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा, -2. बस हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी. आप कहीं और से भी देख लो, ये सारी सेम है. x की यहाँ से भी 2 इज इक्वल टू -x में, x इक्वल -2, वहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, राइट स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. मतलब हमें एक स्क्वेयर मैट्रिक्स लेना जो 2x2 का होगा, उसको ये हमें गिवन है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है. वो कौन सा होगा ये बताना. लेट कर लेते हैं, ए ले लेते हैं. आपको पता जब भी हम लिखते हैं ए आई जे, आई होता है फॉर रोज एंड जे होता है फॉर कॉलम्स. बी अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो दोनों सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक. अब देखो जब कोई चीज़ सिमेट्रिक हो, आपको बताया कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो फिर क्या होगा, ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के. एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के. तो ए डैश मीन इसका डैश करेंगे जो रोज है वो कॉलम्स बन जाती है, कॉलम्स रोज. मतलब ए जे आई और जे इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा आई जे इज इक्वल टू ए आई जे. ऐसे इधर ए डैश सेम लिखेंगे, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे. ये हो गया हमारे पास नंबर 1, ये हो गया नंबर 2. फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों से जब हम निकालेंगे, देखो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी. ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे. अभी कैंसिल नहीं कर देना, कैंसिल करेंगे तो वहाँ से कोई वैल्यू नहीं हमें निकलेगी. ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ए आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू 0 मीन्स 2AIJ इज इक्वल टू 0. तो 2 उधर चला गया, AIJ आ गया हमारे पास 0. इसका मतलब है हम चाहे 1, 1 लें, I को 1, 1 पुट करें. अगर 1, 1 पुट करते हैं A 1, 1 बनेगा, आज 0 ही रहेगा ना, I और J जहाँ पे है नहीं. अगर 1 और 2 पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे IJ है नहीं, वो 0 ही रहेगा. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तब भी वो 0 आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे तब भी वो 0 आएगा. तो हमारे पास ए मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से, ये 0, 0, 0, 0 मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, हमें सिमेट्रिक गिवन है, मैं लिख लेती हूँ ए एंड बी आर सिमेट्रिक. जो चीज़ दी है वो पहले लिख लेते हैं. सिमेट्रिक हो तो उनका डैश उसी के इक्वल होता है. देयरफॉर ए डैश ए के इक्वल एंड बी डैश इज इक्वल टू बी. ठीक है, ए का डैश ए के इक्वल होगा, बी का डैश बी के इक्वल. आगे शो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक. हमें पहले क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, टी पी मीन्स टू प्रूफ. ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, हमें ये सिमेट्रिक प्रूफ करना है. मैंने आपको पहले बताया जब किसी चीज़ को सिमेट्रिक करना मीन इसका डैश इसी के इक्वल आएगा. तो हम इसका डैश निकाल लेते हैं, क्या होगा, ए बी का डैश ब्रेक कर लेते हैं प्लस बी ए का डैश. तो देखो बेटे ये आगे जाके रिवर्सल लॉ लगता है ना, मल्टीप्लाई हो तो रिवर्सल लॉ उल्टा चलना है, बी डैश ए डैश. रिवर्सल लॉ सिर्फ वहाँ पे लगता है जब हमने मल्टीप्लाई किया हो तो उल्टा चलना है. तो यहाँ पे भी ऐसे क्या करेंगे, ए डैश बी डैश. अब बी डैश बी के इक्वल है हमने लिखा है और ए डैश ए के इक्वल है, तो ये आ गया. तो देखो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है. ए बी प्लस बी ए मतलब ए बी प्लस बी ए का डैश जो है वो उसी के इक्वल आ गया. तो देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया. इसका सेकेंड पार्ट भी है जो हमें प्रूव करना है, वो उसको देखो कैसे करेंगे. ए बी माइनस बी ए बोला है, टू प्रूव ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है. स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि इसका डैश माइनस और इसके आना चाहिए. तो मैं ए बी माइनस बी ए का डैश करके देखती हूँ, माइनस ऑफ दिस वन आना चाहिए.
अब करोगे तो क्या होगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, तो ये अगर रिवर्सल लॉ लगेगा बी डैश ए डैश, इस पर भी ए डैश बी डैश, बी डैश बी के इक्वल है ए डैश ए के, तो यहाँ पे भी हो गया। लेकिन हमें चाहिए ए बी माइनस बी ए, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, कॉमन निकालूंगी तो क्या आएगा, देखो माइनस पहले प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस आ गया उसी के इक्वल, ए बी माइनस बी ए का डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ दिस वन, तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया जो हमें इसको प्रूव करना था।